नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बम्पर भर्ती का ऐलान हो चुका है। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 6421 पदों पर विद्यालय सहायक की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। अगर आप चाहते हैं जॉब पाने के लिए तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग में क्लर्क की जो भर्ती है 6421 पदों पर, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उसके लिए बजट भी पास हो गया है। आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। आप अगर 12th पास है और आप कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। तो दोस्तों, अगर आप बेरोजगार है और इधर उधर घूम रहे हैं रोजगार की तलाश में, तो इससे अच्छा आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसमें आपको करना कुछ नहीं है। सिर्फ आपको स्कूल जाना है और बैठे रहना है। सिर्फ आपको कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत आता होगा तो आपकी नौकरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें फॉर्म सबमिट करना होता है, कहीं कहीं जो डाउनलोड होना रहता है एडमिट कार्ड बच्चों का, वो काम है। कलर का काम आप समझ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये देखें तो बहुत ही आसान जॉब है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इसमें जो उम्र लगने वाली है वो मिनिमम 18 वर्ष लगेगा और अधिकतम जो है 42 वर्ष लगेगा। तो उम्र का जो भी फासला है और जो भी है उसमें तो बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत लोग से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो 18 से 42 का उम्र है इसमें सभी लोग, सभी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है अच्छा है, एज भी ज्यादा है, छूट भी मिल सकती है, उसके अनुसार से नियम जो है बना हुआ है। अगर आप इस जॉब को पाना चाहते हैं तो आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। और आपको एक बात बता दें कि ये जो वैकेंसी आई हुई है, अभी इसका फॉर्म जारी नहीं हुआ है, अभी इसका डेट जारी नहीं हुआ है कि कितना इसमें समय लगेगा, लेकिन 2024 के अंत होते होते इसकी बहाली आ जाएगी और डेट भी आ जाएगा कि अप्लाई आपको कब करना है और कैसे करना है, इसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा वो आपको हम बताएंगे अगर नोटिफिकेशन फिर से आता है। तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं और अभी से आप लग जाएं कि हमको ये जॉब करना है। और कंप्यूटर की अगर नॉलेज अभी नहीं है तो आप जाकर आसानी से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो आप देखें तो बिहार में जो भी युवा 12वीं पास हैं, 12th पास हैं, उनके लिए बढ़िया मौका आ गया है। तो अगर आप चाहते हैं नौकरी करने का, जॉब पाने का, तो ये बहुत ही अच्छा मौका आपको मिल रहा है। तो आप इस मौके को दोनों हाथों से भुना सकते हैं। इसके लिए अभी कोई भी फॉर्म जो अप्लाई होने वाला है उसका फी भी नहीं बताया गया है कितना फी लगेगा। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या लगेगा, क्योंकि अभी इसका नोटिफिकेशन फुल नहीं आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। उसके लिए अगर फिर से फुल नोटिफिकेशन बिहार सरकार जारी करता है, शिक्षा विभाग जारी करता है, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या लगेगा, क्योंकि जो इस प्रकार से इसका बजट भी पास हो गया है तो हमको लग रहा है कि ये जल्द से जल्द इस बहाली को रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि जब बजट पास हो जाता है तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपका क्या ख्याल है? आप अगर जॉब कर रहे हैं, ये पद दोनों के लिए है, आप पहले बता दें, ये पद आप चाहें तो युवती हैं तो युवतियों के लिए भी है और आप युवक हैं तो युवकों के लिए भी है। तो आप अगर कोई भी है, अगर फीमेल है, मेल है, आपके लिए ये जॉब है। तो आप अगर चाहते हैं इस जॉब को पाने तो आप इस फॉर्म को अवश्य भरें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।